तो दोस्तों मेरे पास आ चुका है डिजिटेक की तरफ से आने वाला ये ट्राइपॉड और आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं। ये काफ़ी छोटा सा ट्राइपॉड है, सो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं, तो जल्दी से करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। तो चाकू मेरे पास है और अभी काटते हैं इसे। दोस्तों हमें अमेजोन की तरफ से एक बिल मिलता है जिसको हम साइड में फेंक देते हैं अभी के लिए। और ये दोस्तों खाली है अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं, और इसको भी फेंक देते हैं साइड में। और ये आता है हमारे पास डिजिटेक की तरफ से ट्राईपोड, पोर्टेबल स्टेबल एंड कॉम्पैक्ट, और जो है डिजिटेक लाइटवेट डीवी ट्राईपोड DTR260 का जो है मॉडल नंबर है। और ये इसके कुछ फीचर्स लिख रखे हैं इसके पीछे, और ये जो है खुला ही है भाई पहले से, इसको अभी खोलते हैं आगे। तो ये हमें एक मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है इसके अंदर, ये देखिए, ये जो है हम ट्राईपॉड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो इसको लैंडस्केप मोड में करें या हम पोर्ट्रेट में करें, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। और इसके अंदर और कुछ नहीं देखने को मिलता है हमें। ये हमारा ट्राईपॉड है छोटा सा हमारे सामने, इसको निकालते हैं। और इसके साथ जो है हमें एक ये रिमोट भी देखने को मिलता है जो कि हम अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है हमारा ट्राईपॉड, ये इसके रबर के लेग्स हैं, और ये यहाँ पे हम इसे जो है मोबाइल को माउंट कर सकते हैं इस तरीके से। मोबाइल होल्डर को कर लिया हमने माउंट, अब इसके अंदर हम लगा सकते हैं मोबाइल को। और ये है हमारा ट्राईपॉड, जिससे काफ़ी कंपेटेबल सा ट्राईपॉड है, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको भी ये ट्राईपॉड परचेज करना है तो इसकी अमेजोन की परचेज लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके लेग्स काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, आप जैसे चाहेंगे वैसे टर्न हो जाते हैं। और इसको जो है आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या कैमरा और एंड्रॉयड के साथ भी कर सकते हैं। ये यहाँ से ऑन ऑफ का स्विच है और पीछे इसके अंदर सेल डलता है ये वाला। तो हाँ दोस्तों, यही था ये ट्राईपॉड, इस वीडियो में इतना ही। इस ट्राईपॉड को एक मंथ के बाद यूज़ करने के बाद मैं आपको रिव्यू बताऊँगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।